शाहीनबाग में बैठे प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से भेजे गए वार्ताकारों साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े के सामने भी महिलाओं को आगे कर दिया और वे नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने तक एक इंच भी नहीं हटने पर अड़ी हैं। वार्ता अभी और चार दिन जारी रहेगी। देश की सहानुभूति हासिल करने के लिए अम्माओं, दादियों और नानियों वाला लेफ्ट का नैरेटिव चला हुआ है। वार्ता करके बाहर निकली साधना चंद्रन ने भी दादियों का शब्द इस्तेमाल किया। अनपढ़ बूढ़ी औरतों को सामने रखकर संविधान की लड़ाई लड़ी जा रही है तो देशवासी इसका मतलब समझ सकते हैं। सूत्रों द्वारा यह बात भी खुलकर सामने आ रही है कि वामपंथी एनजीओ द्वारा धरने को गाइड किया जा रहा है। मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही विदेशी चंदों के दुरुपयोग की जांच शुरू करवा दी थी और चंदा हासिल करने के नियम सख्त बना दिए थे। तब से ही सारे एनजीओ कोई न कोई बदलाव करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साधना चंद्रन और संजय हेगड़े को धरने का स्थान बदलने के लिए राजी करने का जिम्मा सौंपा था, लेकिन बुधवार को जब दोनों शाहीनबाग पहुंचने वाले थे तो उससे ठीक पहले सीता सीतलवाड़ दादियों नानियों के कान भर आई थी। ऐसा सूत्रों का कहना है। सूत्र ये भी खुलासा करते हैं कि वह कह आई थी कि धरने का स्थान बदला तो आंदोलन कमजोर होगा। वहीं सीता सीतलवाड़ पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने गुजरात के दंगा प्रभावित मुसलमानों को राहत पहुंचाने के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे का निजी इस्तेमाल किया था और मोदी के खिलाफ झूठे सबूत बनाए थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि वार्ताकारों के धरना स्थल पर पहुंचने से पहले सीता सीतलवाड़ दादियों नानियों को भड़काने गई थी। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।